चावर तखत सिंघासन के मालक सतगुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के पावन दरबार दियां हाजरियां भरदियां होया आप सरबत संगत ने बड़े अदब बड़े सत्कार सहित सत्कारयोग भाई गुरजन सिंह जी रूपोवाली पासों पातशाह जी की पावन बाणी की विचार ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮੱਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਰਮਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਬੜੇ ਹੀ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ गुरमत की रोशनी में विचार सांझे किए हैं। आओ अगलेरियां गुरमत विचार आरंभ करने तो पहला गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज पातशाह जी की बख्शिश की हुई फतेह सारी संगत बड़े अदब सहित प्रवान करो। आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। फतेह यूथ क्लब हुशियारपुर के अथाह सहयोग का सदका सिखी लहर के जथे वालों इन पिंडां विच शहरां ते कस्बियां के अंदर ये गुरमत समागम जिहड़े हन सवेर अते शाम के किते जा रहे हैं। इन समागमां का मकसद मनोरथ इको ही है कि जो साढ़े सतगुरु साहिबान साढ़े महान पुरखा ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज के रूप में सानू पावन बाणी की महान दात बख्शिश की है जो उपदेश दिता है वो की है। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज पातशाह जी नूं आपां सारे ही अपना इष्ट अपना गुरु स्वीकार करते हाँ प्रवान करते हाँ। गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं बड़े अदब सहित आपां सीस झुका के अपने जीवन के दुख ते सुख की हर हालत विच गुरु ग्रंथ साहब महाराज के पावन चरणों का आसरा तकण का यतन करते हाँ। जिथे असीं समाजिक तौर उत्ते अपने जीवन के दुख सुख दीआं रस्मां गुरु ग्रंथ साहब महाराज के पावन चरणों विच आ के निभाउंदे हाँ, जिथे असीं गुरु ग्रंथ साहब महाराज के सिख होण दा दम भरदे हाँ दावा करदे हाँ, जिथे असीं बाहरी रूप में गुरु ग्रंथ साहब महाराज का हर तरह नाल सत्कार ते आदर करन दी कोशिश करदे हाँ यतन कीता गया है, उत्थे नाल नाल असीं जो धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पावन बाणी का सुनेहा है विचार है वो की है उसनों आप रल मिल के आपस में संतां दे नाल सांझियां कर सकीए। दूसरी गल जो साढ़े पुरखियां ने सतगुरु जी दे पाए हुए पूरनियां दे उत्ते चलदियां होया महान जीवन जीविया कुरबानियां कीतियां शहीदियां दित्तियां पर उपकार कीते जिहड़ा इतिहास जिहड़ा विरसा उन्होंने कमा के साढ़े सन्मुख रखिया है कि असीं उन्हां बारे जानते हाँ कि सानू अपने पिछोकड़ बारे अपने इतिहास बारे अपने अतीत बारे कोई सोझी है। जिन्हां ने साढ़े लिए अथाह कुरबानियां करके सानू संसार भर के अंदर माण नाल जीण जोगे बनाया है कि उन्हां दे परोपकार साडी सुरत विच टिके होए ने सानू चेते ने। इस मकसद नूं लै के गुरमत समागम जिहड़े हन थां पर थां कीते जांदे हन। इन्हां समागमां दी इस पक्खों विलखणता है वी इत्थे ना तां देसी घिओ दीआं जलेबियां दा किसे नूं लालच दित्ता जाणा है ना इत्थे किसे संत महापुरख दा बोर्ड ला के किसे नूं सद्या जाणा है वी आओ बाबा जी दी बख्शिश दे पात्र बनण वास्ते इन्हां समागमां दी हाज़री भरो। इत्थे केवल प्रधानता है धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज पातशाह जी की। असी सारे ही
गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी नूं सीस झुकाउण वालिआं ने रल के बैठ के ये विचारण दा यतन करना है कि धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन बाणी सानूं किहो जिहा राह चुनण वास्ते किहो जिहा मार्ग दिंदी है तुरन वास्ते, क्योंकि गुरबाणी का फैसला है भूले सिख गुरु समझाए उजड़ जाते मार्ग पाए। जदों सिख भुलदा है, जदों सिख उजड़े राह दे उत्ते पै जाता है, जदों साडे मार्ग ठीक नहीं होंदे, सुभाविक है जिन्हां लोकां दा राह ठीक नहीं उन्हां दी मंजिल भी ठीक नहीं होएगी, वो अपनी मंजिल ते भी पहुँच नहीं सकणगे। धर्म की दुनिया की एक मंजिल मिथी सतगुरु गुरु नानक महाराज ने जो अपनी पावन बाणी जपजी साहब के अंदर केम सचियारा होई है, किम कूड़ै टुटै पाल हुकम रजाई चलना नानक लिखिया नाल, कि सिख नूं गुरु धन गुरु नानक महाराज पातशाह जी की दसी हुई इस मंजिल का चेता है कि उसने कित्थे पहुँचना है। फिर जिहड़े राह असीं चुन लए हन, जिहड़े कर्म असीं अपने जीवन अंदर कर रहे हाँ, जिन्हां भुलेखियां विच असीं फसे होए हाँ, कि ये सारे यतन जिहड़े हन सानूं इस मंजिल ते लै जाणगे, ये बड़ा अहम सवाल है। क्योंकि असीं सारे ही किसी ना किसी रूप विच धर्म की दुनिया अंदर मेहनत कर रहे हैं। कोई बंदा जोत जगा के मेहनत कर रहा है, कोई बंदा तीर्थां दे इशनान करके मेहनत कर रहा है, कोई बंदा जप तप करके मेहनत कर रहा है, कोई किसी मड़ी जां कबर ते पीर जां फकीर दे आश्रम विच जा के उस जगह ते मत्थे रगड़ रहा, उत्थे संगत कर रहा है। धर्म की दुनिया के अंदर कोई दान दे के, कोई जप करके, कोई तप करके, कोई पहरावे पहन के, कोई पूजा करके, बड़े ही किस्म के कर्म हैं जिहड़े धर्म की दुनिया के अंदर रब की अकाल पुरख की बख्शिश नूं प्राप्त करन लई संसार के मनुख कर रहे हैं। असी गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी की रोशनी विच समझण की कोशिश करनी है कि ये सारे यतन साढ़े सार्थक होणगे, इन्हां चों कुछ निकल सकेगा। वैसे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज बड़ा प्यारा कीमती बोल साढ़े नाल सांझा करदे ने। स्वाणी सवेर वेले जदों अपनी रसोई का कार भार उठ के संभालदी है, उस दे मुख कम्मां विचों एक काम हुंदा है दही नूं रिड़कना। रात वेले वो दुध नूं जाग लाउंदी है, सवेरे उठदिआं होइआं मुख कम्मां विचों इह जरूरी काम वो जरूर करदी है कि उस दही दे अंदर वो मधाणी पा के उस नूं रिड़कदी है। उस नूं कोई भी पुछे बीबा तूं इह काम ऐसा क्यों कर रही है, इस विच मधाणी क्यों पाई है, तां उसदा इको जवाब होएगा इस दे विचों मक्खण निकलेगा, घिओ कढ़िया जाएगा। अगर इस विचों घिओ कढ़णा है तां इस नूं रिड़कणा पवेगा। पर तुसीं अंदाज़ा लाओ जे कोई आदमी, जे कोई मनुख, जे कोई स्वाणी पानी दा भांडा भर के उस विच मधाणी पा देवे, घंटियां बद्धी उह मधाणी चली जाएगी, उस विचों निकलेगा कुछ नहीं। घंटियां बद्धी उस मधाणी नूं चलाउण तों बाद बार बार असीं उस मधाणी नूं बाहर कढ के वेखीए कि कुछ निकलिया, कोई प्राप्ति होई, तां उह पाणी दा पाणी ही रह जाएगा। हुण कोई भी सवाल करेगा उस स्वाणी नूं कि तूं अद्धा घंटा पौणा घंटा मधाणी चलाई, दही दे विचों मक्खण निकल आया, पर पाणी नूं चार घंटे हो गए निरिड़कदिआं होइआं, इस विचों एक भी चीज़ नहीं निकली, कुछ भी प्राप्त नहीं होया, क्यों? उसका जवाब बड़ा सीधा ते सादा होएगा कि पाणी नूं रिड़कण नाल भी कदे कुछ प्राप्त हुंदा है, प्राप्ति ते दही नूं रिड़कण दे नाल हुंदी है। दाता सतगुरु जी ने अपनी पावन बाणी के अंदर एक बिंब एक प्रतीक वरत्या है। प्रतीक विच सतगुरु महाराज ने नाम किहदा लिया, कर्म कांड करन वाला ते करवाउण वाला, जिसनूं पंडित कहिंदे हन, जिहड़ा धार्मिक जगत के अंदर आप भी धर्म कर्म करदा है ते दूसरे कोलों भी धर्म कर्म करवाउंदा है, उसनूं सतगुरु महाराज संबोधन करदे ने। हजूर कहिंदे पंडित दही बिलोईऐ भाई, हे भाई हे मेरे वीर, जे आपां दही नूं रिड़कीए
विचों निकले तत्थ उहदे विचों मक्खण निकल आएगा। पर जल मथी है जल देखी है भाई, हे मेरे भरा मेरे वीर, जे आपां पाणी नूं रिड़कीए, जल नूं रिड़कना शुरू करिए, जल मथी है जल देखी है भाई, ये जग यह वत ये संसार, हे मेरे भरा वेख किहो जिहा काम कर रहा है, किहड़ी मते तू इहनूं ला दिता है ते किहड़ी मते लग्गिया होया। हुण मैं एक बेनती होर करां, भावें बहुत वड्डी माला होवे ते बहुत सोहना धार्मिक पहरावा होवे ते उस ऐसे व्यक्ति दे हथों जिहदी पूजा हो रही होवे जिहदा नाम बहुत वड्डा होवे उहनूं कहा जाए कि असीं पाणी च मधाणी चार घंटे पाई रखी, निकलिया कख नहीं, तुसीं अपने शुभ हत्थां नाल पाणी च मधाणी पाओ, शायद कुछ निकल आए, निकलना फिर भी कख नहीं। जे किसी बहुत वड्डे विद्वान नूं आख्या जाए कि तुसीं अपने हत्थां नाल पाणी दे विच मधाणी पा के इस नूं रिड़को, शायद इहदे विचों कुछ निकल आए, तां वी नहीं निकलेगा, क्योंकि पाणी चों बेसिकली निकल ही कुछ नहीं सकदा। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी अंदर महान इनकलाबी भगत बाबा कबीर साहब जी ये बचन कहिंदे ने, ऐसो अचरज देखियो कबीर, दद कै भोलै बिरोलै नीर। कबीर साहब आखदे मैं बड़ी हैरानी भरी वार्ता, हैरानी भरिया माहौल आले दुआले वल लोगों नूं कर्म करदिआं वेख रहा हाँ। दही दे भुलेखे विच लोग पाणी नूं रिड़क रहे हन, लगातार रिड़क रहे ने, सारी उम्र उन्हां दी लंघ जांदी है इस नूं रिड़कदिआं होइआं। पाणी रिड़कणा किस नूं आखिआ? गुरु ग्रंथ साहिब ने, जिहड़े असीं गुरु दी मत नालों टुट के अपणीआं मन मर्जियां दे नाल कर्म करदे हाँ, धर्म कर्म कीते, रस्मो रिवाज निभाए, पूजा प्रतिष्ठा कीती, थां थां दे आसरे तके, सारा कुछ पाणी रिड़कण दे समान है। इस विचों ना सानू आत्मक संतुष्टी मिल रही है, ना मानसिक सुख, ना मानसिक तसली मिल रही है। जिस सुख की आस विच असीं ये सारे कर्म कर रहे हाँ, उस सुख भी साडे हाथ विच आ नहीं रहा। जिहो जे सचियारे और गुरमुखताई दे जीवन की आस असीं इन्हां चीज़ां तों लाई बैठे हाँ, वह भी साढ़े कोल नहीं, सानू प्राप्त नहीं हो रही। असी बाद विच दोष कढ़दे हां, देखो जी असी इन्नी जिंदगी जिहड़ी ओह इन्ने कर्म करदे हां लंघा दित्ती है, सानू मिलिया तो कुछ भी नहीं, मिलना कित्थों सी? पाणी विच मधाणी पा के असी उस नूं रिड़कदे रहे, ये गलती साडी सी। सानू किसे दाने नूं पुछ लैणा चाहीदा सी वी की असी ये कर्म करिए तो इस विचों सानू कोई प्राप्ति हो सकती है, तो साढ़े कोल सब तो दाने सब तो सुगढ़ ते सियाने साढ़े सतगुरु साहिबान धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने। असी गुरु नूं पुछना सी, सतगुरु महाराज की पावन बाणी नूं आपां जदों पढ़दे हां, हजूर बचन कहिंदे ने गुर पूछो तुम करो विचार। गुरु नूं पुछ, गुरु कोलों विचार लए कि मैं अपना जीवन किस रूप में जीना है, किस ढंग नाल जीना है। अज जदों असी अपनी हालत वल अपने समाज और अपनी कौम की दशा वल देखते हाँ तो एक गल उगड़ के सामने आ जाती है। इस विच कोई शक नहीं कि असी धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का बहुत सत्कार ते अदब करते हैं, उन्होंने अपना इष्ट मानते हैं, उन्होंने सेवा करते हैं, नमस्कार परिक्रमा करते हैं। पर जदों इस तो अगली बात आती है कि असी धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन बाणी में जो लिखा गया उसनों आप जानन का यतन भी करते हाँ, उस वेले साढ़े पल्ले निराशा तो सिवाए कुछ नहीं पैदा। असी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का बाहरी अदब तो करते हैं, पर सतगुरु महाराज की विचार नूं सतगुरु के उपदेश नूं समझण वास्ते ते मनण वास्ते, क्योंकि मनिया भी तदों ही जांदा है जेकर समझ आ जाए, तो जे समझ ही ना आए तो सुभाविक है मनिया किनू जाएगा। हुण भुलेखे विच पिया होया बंदा कर ते मन मत रहा, समझ ये रहा है भी ये गुरमत है, गुरु की सिख्या है, उन्हें भुलेखा तो यही पालना ने भी गुरु की सिख्या है, गुरु ने ही ऐसा किया है, क्योंकि उन्होंने गुरमत की सोच ही नहीं, गुरु की बाणी का ज्ञान नहीं। जी उसनों पता होएगा कि धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का सिद्धांत यह कहता है, साडे महान पुरखियां का जीवन इस तरह का है, गुरमत की मत यह कहती है, तो सुभाविक है वह मनमत को गुरमत नहीं समझेगा। गुरु ग्रंथ साहिब एक बचन कहते हैं, हजूर कहते मैं संसार ना दुनिया नू एहो जे भरमां ते भुलेखियां विच पिया होया वेख्या है, जिथे दुनिया की करती है ऐसे काहे भूल परे, करें करावें मूकर पावें,
बंदा कुकर्म करता है, मन मत करता है तो मुकर जाता है, मैं तो किया ही नहीं। तुसी अंदाजा लाओ, बंदा करता पाप है तो मुकर जाता है, धर्म कमाउंदा नहीं तो खवाउणा चाहुंदा है। जेडे कर्म करता है, करता की है, बुरा चितवदा दिन रात, करता की है, बुरा बोलता है दिन रात, करता की है, बुरा तन दे नाल कर्म करता है, मन करके, बचन करके, कर्म करके, पर खवाउंदा नहीं। कदे गुरु को आके नहीं कहिंदा, सतगुरु सच्चे पातशाह मैं बड़ा पापी हाँ, बड़ा गुनाहगार हाँ, मैनू मत दिओ, मैं सुधर जावां, मैं ठीक हो जावां। धर्म असी कमाउंदे नहीं, उहदा आके असी गुरु ग्रंथ साहिब कोल जरूर कहिंदे, महाराज असी तेरे बड़े गुरमुख प्यारे, असी बड़े नेक, सानू सरोपा भी मिलना चाहिए, साडा पत्थर भी लगना चाहिए, साडा नाम भी सामने आना चाहिए, क्योंकि असी बड़े गुरमुख हाँ। ये मनुख की कलयुगी सोच है, काली सोच है भी जो कमाया नहीं वो चीज़ नू अपने नाम नाल जोड़द, जो करता है वो तो भजद, करें करावें मुकर पावें, पेखत सुनत सदा संघ हरे। भुल गया भी गुरु ने बचन किया भी वह वाहगुरु अकाल पुरख सदा तेन सुन भी रहा तो वेख भी रहा। अगे हजूर कहते काच बिहाजन, कच कट्ठा कर रहा, कच जड़ी फजूल चीज़ है, टुटिया हुई चीज़ा जो कच दियाँ घर के अंदर तिड़क जान, टुट जान, टुकड़े टुकड़े हो जाने तो असी उन्होंने कचरे के ढेर उत्ते सुट आने वो कम नहीं दिंदी। गुरु कहिंदे इस मनुख की हालत वेखो, ये कच कट्ठा कर रहा है जेड़ा इस दे काम ही नहीं आना, जिस नाल इस दे अपने हाथ लहू लुवान होने ने। काच बिहाजन कंचन छाडन, कंचन दा अर्थ हुंदा है सोना, सोना छड़ी जा रहा, सोना नहीं कट्ठा कर रहा, भाव कीमती वस्तुआं गुण नहीं कट्ठे कर रहा, औगुण ही औगुण कट्ठे कर रहा, चंगियाई कट्ठी नहीं कर रहा, बुराई ही बुराई कट्ठी करता जा रहा। काच बिहाजन कंचन छाडन, बैरी संघ हेत साजन त्याग खरे। वैरी नू प्यार करता है तो मित्रां नाल दुश्मनी रखता है। जिहड़ा वैरी है, जिसने इहदा जीवन तबाह करना है, जिसने इहदा बुरा चितवना है, जिसने इहदा भला नहीं होण देना, उहनू गलवकड़ियां पाउंदा है, उहनू भज भज के मिलदा है, उहदी संगत करदा है, उहदे कोल बहिंदा है। पर जिहड़ा असल मित्र है, जिसने इहदा भला लोचना है, जिहने इहदा भला करना है, जिहने इहदा कारज सवारना है, उस नाल कोई मोह नहीं, उस नाल कोई प्यार नहीं, उस तों दूर भजदा है। हजूर दे बचना की रोशनी विच वेखीए कि अज असी अपने जीवन ते अपने समाज के निघार वाले जिहड़े कारण ने, असी उन्हां नूं किते प्यार ते नहीं पाया होया। अज साडे गुरुआं दी इस सवारी होई धरती दे उत्ते, जिस नूं साडे बड़े महान विद्वानां ने गुरु महाराज दी इस कुरबानी ते घालना बाबत किया सी, पंजाब वसदा गुरां दे नां ते, इस विच कोई शक नहीं, पंजाब अज भी गुरां दे नां ते ही वसदा। पर अज इवें प्रतीत हो रहा है कि गुरु दे नाम नूं माइनस करन वास्ते कुछ ताकतां लगियां ते जरूर होईयां ने, जिन्हां दी ये कोशिश है कि ये पंजाब जाणिया जाए कबरां दे नां दे उत्ते, मड़ियां दे नां दे उत्ते, नशियां दे नां दे उत्ते, लचरता दे नां दे उत्ते, पंजाब नूं इस रूप विच जाणिया जाए। जदों दुनिया भर विच पंजाब दी गल चले ते लोक कहण ओ सूबा, ओ स्टेट जिहड़ी सब तों वध शराब पींदी है, किहड़ा पंजाब, ओ पंजाब जितों दे लोक सवाए नचण ते गाउण तों कदे वी सीरीयस हो के अपने मसलियां दी गल नहीं करदे, ओ लोक जिन्हां दे कोल बड़ा कीमती खजाना है गुरु ग्रंथ साहिब दे रूप में, जिन्हां दा इतिहास बड़ा कीमती है, पर लोग बड़े सुते हुए ने, बड़े खुदगर्ज ने, जिहड़े अपने धर्म ते कौम नूं जरा जिन्ना प्यार नहीं करदे। ओ पंजाब जिथे आए दिन कोई ना कोई डेरेदार दा मसला सामने आया रहिंदा, ओ पंजाब जिथे हदों वध बेरोज़गारी है, ओ पंजाब जिस पंजाब की धरती दे उत्ते लोग अपनिया ही धियां ते बच्चियां दी इज्जत नहीं करते, क्योंकि जो टीवी विच देखदा है, जो अखबारां च सामने आउंदा है, जो गाउण वाले कल्चर दे रहे ने, उत्थों तां यही लगता है कि इन्हां लोगों का विरसा जिहड़ा है अज दे समें दे अंदर बहुत कमज़ोर हो चुके है, कि साडी ये पछाण है संसार दे अंदर, असी सोचना है। मैं अक्सर बेनती करिया करदा हाँ, नारा ते जकारा भी उन्हां लोगों के मुख तों ही शोभा पाउंदा है
जिहड़े लोग उन्हां नारियां ते जयकारियां दे मकसद उत्ते खरे उतरन जोगे होण। झूठा बंदा जदों नारा मारदा है ना ते वह पखंड करदा है, दंभ करदा है। जिहड़ा बंदा दिन रात हर वेले हर कड़ी अपनी कौम दियां अपने धर्म दियां अपने कल्चर दियां जड़ां वड्ढन लग्या होवे ते जकारा भी बहुत उच्ची उच्ची छड्डे, ऐसे बंदे नूं खेखण करन वाला बंदा ही कहा जा सकदा है। हुण तुसीं गौर करके वेखणा, जे साडे धर्म नूं साडे कल्चर नूं साडे विरसे नूं ही हानि पहुँची साडे कर्मां दे नाल, तां साडे नारे ते जकारियां दा अर्थ की निकलेगा सवाए दुनिया दे सामने सच्चे बणन तों? इन्हां दा कोई अर्थ है, कोई मतलब है? असी जितना मर्जी वा अपने माण अपने हंकार दे अंदर, जिवें भाई साहब जी ने जिक्र किया सी महाराज की पावन पंक्ति का, नानक गुरु ना चेतनी माने अपने सुचेत। गुरु चेते विच नहीं, मन अपने सुचेत दा अर्थ अपने आप च ही बंदा हंकार नाल फुलिया पिया भी मैं तो बड़ा वड्डा जी काम कर रहा, मेरे वर्गा तो गुरमुखी कोई नहीं, मेरे वर्गा तो गुरु का प्यारा ही कोई नहीं। हंखाओ मैं तो बहुत है, दावे तो बहुत वड्डे ने, अपने आप नूं बहुत बंदा सियाणा समझदा, मैं बड़ा गुरु करदा निन सेवक हाँ, मैं बड़ा पंथ की सेवा करदा, मैं बड़ा वड्डा गुरसिख हाँ। असी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे मन अपने सुचेत, अपने मन अंदर सुचेत होण दा भरम पाली बैठा है, पर नानक गुरु ना चेतनी। गुरु की कही हुई गल का तो चेता ही नहीं भी गुरु ने आख्या की है, दावा तो है पर गुरु की कहिंदा है, गुरु कौन है, इस गल की पछाण ही अज भुल गया। तिना बाबत ही हजूर महाराज ने अपनी पावन बाणी के अंदर आख्या कि ऐसे बंदियां दी हालत उन्हां तिलां दे बूटियां वर्गी है जिन्हां दियां फलियां दे विच दाणे नहीं पैंदे बल्कि सवाह हुंदी है। किसान जदों उन्हां दियां डोडियां नूं भोर के वेखदा तो वेखदा भी इहदी फली उच्चा तो बहुत चलिया गया पौधा पर इहदियां फलियां दे अंदर सवाह है, दाणे नहीं पए तिलां दे, वह इन्ना निराश हुंदा उन्हां नूं वढ़दा भी नहीं, उत्थे ही छड आउंदा है, आपे कोई लोड़वंद वढ़ के लै जाएगा, यह बालण तो सिवा होर किसे काम नहीं आ सकते। हुण गौर करना गरीब नवाज, सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी की पावन बाणी नूं जे असी चेते विच ना रखिया भी गुरु ने सानू सिद्धांत की दिता है, मर्यादा की दिती है, विरसा की कमा के दिता है, जे असी गुरमत दे उस कल्चर नूं विसार दिता ना जिहदे पिछे अथाह कुरबानियां ते घालनावां पईआं ने, ते एवें अपने मोढे आप ही थप पाउंदे रहे, अपनी पिठ ते आप ही थापियां दिंदे रहे और सुचेत बन के होमै ते हंकार नाल लबरेज रहे, ते साडी हालत उस तिल दे बूटे वर्गी है ते वढ के सानू जिहड़ा मर्जी लिजा के जिहड़े मर्जी चुल्हे च बालदा है, कोई साइयां दे चुल्हे च बाली जांदा है, कोई मड़ियां दे चुल्हिआं च बाली जांदा है, कोई जठेरियां ते जा के सिख नूं अज झुकाई जांदा है, ये सारे कर्म जिहड़े हन असी अज तरह तरह के चुल्हिआं दा बालण बन गए हाँ, क्योंकि सानू अपनी होंद भुल गई भी असी कौन हाँ, साडा पिछोकड़ की है, साडा धर्म की कहिंदा है, साडा विरसा की कहिंदा है। इन्हां गल्लां तों थोड़ा जिहा अपने आप नूं सुचेत करन दी गल है। एक बेनती मैं जरूर करांगा क्योंकि सानू मौका मिलदा है थां पुर थां गुरमत की गल करन दा, हर पिंड हर नगर हर शहर विच कई माई भाई कई सज्जण ऐसे हुंदे हन जिहड़े आप मड़ी दे जां कबर दे पुजारी हुंदे हन, उन्हां दी कोशिश पता की हुंदी है, गुरद्वारे दे विच मड़ी दे खिलाफ ना बोलो, कबर दी गल ना करो, उन्हां दा ख्याल हुंदा भी गुरद्वारे दे विच भी कबर नूं पूजन दा प्रचार होना चाहिए, इत्थे भी जठेरे नूं मत्था टेकण दा प्रचार ही होना चाहिए। क्यों बई, की धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज दे विच जो लिखिया है उहदी गल गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी च भी नहीं हो सकती, इन्नी पाबंदी दा मतलब की है, इस सोच दा अर्थ की है? इहदा मतलब यह है असी अपना अंध विश्वास, असी अपनियां गलतियां जिहड़ियां ने जां अपने भुलेखे जिहड़े ने उहनां नूं गुरु घर दे विच हावी करना चाहुंदे आ, गुरु घर दी जो मर्यादा उहदा कोई ख्याल नहीं रखदा, इह वजह है। जिहदा जी करदा नारियल चुक लिआउंदा गुरुद्वारे रखण लई, उहनूं ना तां इह पता है वी गुरु ग्रंथ साहिब की कहिंदा, ना इह पता है मर्यादा की कहिंदी है, ना इह पता है इतिहास की लिखिआ। असीं आपणी मत नूं गुरुद्वारे उत्ते ठोसदे आ, जिहड़ा मर्जी इत्थे जोत जगा जाए, जिहड़ा मर्जी इत्थे लाचियां करके दे दे, जिहड़ा मर्जी धागे बन जाए, जिहड़ा मर्जी जो मर्जी कर जाए, कोई रूल ही नहीं, कोई मर्यादा ही नहीं, हर बंदा अपनी चलाउणा चाहुंदा है। शराबी की यह सोच है, वह कहिंदा जी शराब की गल ना करो गुरु घर दे अंदर, तो की करिए? जिस दर के उत्ते केवल अमृत ते गुरमत वंडी जाती है कि उत्थे जहर ते मन मत का प्रचार होना चाहिए। अज साडी सोच इन्नी डिगर गई है, ज
ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਦੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਅਤੇ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਗੁਰਮਤ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੌਰ ਲਿਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਕੌਣ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਉਮਤ ਹੈ? ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਕਈ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇਰੀਆਂ ਚਾਰ ਚਾਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇਰੀ ਹਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ, ਤੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇਰੇ ਦਾਨ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਗੁਰਮਤ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੇ? ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮੁਖਵਾ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ, ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁੱਖ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਵੇ ਭਾਈ। ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਖੁੰਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਰਿੜਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਿੜਕ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਰਿੜਕਣ ਦਿਓ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁੱਖ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਵੇ ਭਾਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੁੱਖ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਸੇ ਖੁੰਝਿਆਂ ਨੂੰ, ਐਸੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਐਸੇ ਭਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੈ? ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਪਾਏ ਲਾਗ ਚਰਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ, ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੌਬਾ ਕਰੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਏ। ਜਿਉਂ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥੰਮੈ ਥੰਮਣ, ਤਿਉਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਅਸਥੰਮਨ। ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਕੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮਾ ਕੇ ਸੀ ਝੁਕਾਉਂਦਿਆਂ ਤੁਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਘਾਲਣਾਵਾਂ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ, ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਬਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ, ਸ਼ੁਭਾ, ਸਵਾਲ, ਕੋਈ ਆਪ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਵੋ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।